हमारे पास सोलन की एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है यहाँ पे। ये बच्चे तो आप लोग तो सभी जानते हैं, शायद यहाँ पर आते रहते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर सत्य सनातन का एंड चेतन, वेलकम बोल रही हूँ। सत्य सनातन सर जो है ये प्रेसिडेंट शिक्षा क्रांति सोलन, ये प्रेसिडेंट है शिक्षा क्रांति सोलन के, और इट इज एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर सत्य इज प्रमोटिंग skills and values based education in Himachal for the past 16 years. अभी आप छोटे से दिख रहे हैं कि छोटी सी एज से ही इन्होंने बहुत काम किया है और एक नेशनल फिगर है ये हमारे यहाँ पे। His vision is to make Swachhta national value of India. He is a social activist and sanitation worker. Also, he is a multilingual published author. He has developed command in various national and international languages. Besides this, ये बहुत important है एक और चीज, besides this, he is also intrapersonal and interpersonal, interpersonal and intrapersonal communication skills teacher and trainer for the corporate sector. शिक्षा क्रांति सोलन based NGO है जो पिछले 15 से 16 वर्षों से वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं। आप गुरुजन सहमत होंगे कि हमारी शिक्षा में सब कुछ है, जब स्किल्स और वैल्यूज की बात आती है तो बहुत कमी है। जब मैं बाहर के देशों के वैल्यूज बेस्ड सिस्टम को या फिर एजुकेशन सिस्टम की स्टडी करता हूं, चाहे वो फिनलैंड हो, इंग्लैंड हो या और कोई जो अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, तो मुझे दो बातें समझ आती हैं जो मैं हर मंच पर कहता हूं। अगर आप उससे जरूर कनेक्ट कर पाए तो जरूर तालियां बजाएं। एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज, एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। स्किल्स मेक अस अर्निंग बींग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बींग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन। तो वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन बनाने के लिए वैल्यूज बहुत सारी होती है, कितनी सारी होती है। हमने स्वच्छता को एक वैल्यू बनाया और उसको प्रमोट करें, हर रोज लगभग वृक्षारोपण, सफाई अभियान और संवाद, ये तीन गतिविधियां कर रहे हैं जिसके तहत आज आपके समक्ष भी आए हैं। तो आशा करता हूं कि आपका भी आशीर्वाद मिलेगा। आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि आप बेशक मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं या नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप संवाद कुशल नहीं हैं, अर्थात अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदरणीय गुरुजन अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं। आप क्या सहमत हैं सर? तो कम्युनिकेशन स्किल को प्रमोट करते हुए यह संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा आप सभी सीख ही रहे होंगे टीचिंग टेक्निक्स एंड ऑल, तो मैं जरूर चाहूंगा कि उसमें एक टेक्निक ये भी जरूर ऐड करें, अर्थात इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, यू शुड बी गुड एट कम्युनिकेशन। यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट योर सब्जेक्ट मैटर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज दैट यू शुड नो हाउ टू नेविगेट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द फेस ऑफ AI। अगर अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया, और अगर जो ये AI का दौर चल रहा है उस टूल्स और टेक्नोलॉजी को आपने नहीं सीखा, हम सभी ने नहीं सीखा, तो आदरणीय गुरुजनों मेरा यह मानना है कि रिप्लेस तो हमें नहीं कर सकते कोई। जो AI का दौर है, बच्चा हमेशा ऑनलाइन जाता है और वो उसे एक्सेस होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, नॉलेज भी होती है, हमें रिप्लेस तो नहीं कर सकता। ये तो पक्की बात है कि जितना मर्जी AI आगे जाए, शिक्षक का महत्व फिर भी एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था में रहेगा ही रहेगा। लेकिन हमें महत्वहीन भी नहीं होना है, हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि बच्चा हमें जिंदगी भर याद रखे, अर्थात उनका हमें चरित्र निर्माण करना है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, और वह तभी संभव है जब हम स्किल्ड होंगे, जब हमें कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल आएगी। क्या आप सभी सहमत है कि नहीं है? तो इस स्किल्स के मिशन को आगे ले जाने के लिए हमने अपने सामने 2047 तक एक लक्ष्य रखा है। क्योंकि समय का अभाव है जल्दी जल्दी में, तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूं, कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्या वो विजन है स्किल्स और वैल्यूज का। 2047 में भारत की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे,
तुलिका मैम ने कहा हमारा लक्ष्य है स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना है। आदरणीय गुरुजनों, यह कहना ना होगा कि भ्रष्टाचार है तो है क्या कर सकते हैं, यह कहना ना होगा कि कचराचार है तो क्या कर सकते है तो है, लेकिन हम जरूर कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि चोर बाजारी तो है। अर्ज है, चोर को चोर हम क्यों कहें, खता किसी की सजा हम क्यों सहें, आने वाला कल हमें ही चोर ना कहें। आदरणीय गुरुजनों, चुप ना रहे, कुछ जरूर कहें, चुप ना रहे। तो मेरा यह मानना है कि भारत के हर शिक्षक का पढ़ना लिखना बोलना सुनना शिक्षक कर्म हो, और इस साधना को साधते साधते वो साधु ना बने बल्कि साधु हो, उनका यह साधना करना उनका शिक्षक धर्म हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तकनीक का जमाना है, तकनीक के जमाने में कोई भी किसी को कुछ बनाया जा सकता है। तो मेरे सामने 2009 में दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एकेडमी को प्रमोट करूं, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर आप यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया में 4-5 अव्वल टीचर्स देखते होंगे, मुझे पता है कि अगर उनके साथ खड़ा नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनकी श्रेणी में खड़ा होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मुझे लगा कि हमारी शिक्षा में जो खामियां हैं ना, शिक्षा में जाना पड़ेगा, व्यवस्था में जाना पड़ेगा। ठीक बोला सर। तो बजाय इसके कि मैं कमर्शियली अपने संस्था को प्रमोट करता, मैंने बस यही देखा कि जहां मौका मिलता है व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं, और व्यवस्था में थोड़ी बहुत अपनी स्वच्छता आग्रह के तौर पर दखलंदाजी करते हैं। तो और आपसे भी ऐसी आग्रह करते हैं कि जो यह मैं आपसे विजन कह रहा हूँ उससे ज़रूर कनेक्ट करें, और जब आप स्कूल में जाएं तो ज़रूर बच्चों को भी यह ज़रूर बताएं। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं स्वच्छता से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे, हम विवाद से नहीं हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। नहीं भ्रष्टा केवल रिश्वत लेना रिश्वत देना या टैक्स चोरी और जमाखोरी या आर्थिक अनैतिक व्यवहार, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की महामारी के अनेक प्रकार, स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार, स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम आप सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, तुलिका मैम बैठे हैं, ऐसे ऐसे गुरुजनों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे, स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि संवाद चल रहा है, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या सहमत नहीं है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने इम्प्रेशन दें कि हम आपकी बातों से सहमत हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप जो है आपके हाथ में राष्ट्र का निर्माण पड़ रहा है, आप राष्ट्र के निर्माता है। जैसे कि सर का हम बहुत थैंक्स कर रहे हैं, पहले तो यहाँ आके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें स्वच्छता के प्रति जो है इन्होंने जागृत भी किया, और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम बहुत पुरानी एक प्रभाव है, और उस प्रभाव के अकॉर्डिंगली अगर हम घर से शुरू करें अपने अपने स्वच्छता के लिए, पहले अपने आप से, फिर हम अपनी सोसाइटी में जाएं, और कहीं पे भी जैसे सब बता रहे हैं मेरे ख्याल से अगर हम अपना योगदान दे सकते हैं, और एज ए टीचर हमारे ऊपर शायद बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है कि हम इसे अपना समझ के करें, एक तो हमारी ड्यूटी है, दैट इज अनदर थिंग, वो हम सभी करते हैं, लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी काम को अपना समझ के करते हैं मेरे ख्याल से तब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ सर, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद हिज वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं सभी की तरफ से हमारे टीचर्स की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और तुलिका मैम का भी जो डेली हमें जो है कोई ना कोई इस तरह का जो है नई चीज लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आपने जो ये मुहिम चलाई है पिछले 16 वर्षों से, एक्चुअली ये हम सब का एक कर्तव्य है। तो आज आप हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षकों को हमारे ही ड्यूटी से कर्तव्य, अगर हमसे कहीं चूक होती है जो अक्सर होती है सर, तो उसी के बारे में हमें रिमाइंडर देने आए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो ये मिशन है इसका जो मैसेज है हम अपने स्कूल में ले जाएं
अपने घर से शुरुआत करें और अपना स्कूल जो अब हमारा घर बन गया है अगले वाले 2-2.5 साल के लिए एक पोस्टिंग स्टेशन में, तो वहाँ हम हर एक बच्चे को जो हमारे स्कूल के प्रांगण में पहुँच जाता है उसको स्वच्छता की इम्पोर्टेंस समझाएं और स्वच्छता का आग्रह हर दिन करें अगर हमें लगता है कि स्वच्छता से उनका ध्यान हट रहा है। धन्यवाद हमें एक बार फिर हमारी अपनी ही ड्यूटी के बारे में बताने के लिए, शुक्रिया। अंकिता मैम, आप जो ये विजनरीज को देके आती हैं और हमें हमारे कर्तव्यों और ड्यूटीज के बारे में, राइट्स के बारे में बताती जा रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो विजन है आपका ओनली स्वच्छता नहीं है बल्कि वैल्यूज एजुकेशन भी है, राइट सर। तो मैं रिगार्डिंग वैल्यू एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहता हूँ। प्लीज सर। कि जैसे सर नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जनरली डिक्लाइन हो रहे हैं, या तो वो खराब हो रहे हैं या फिर खत्म होने के कगार पर है। तो एक जगह हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि सोलन की बात करता हूँ तो पानी की सक्रेसी है, यहाँ अगर है भी है तो वो अच्छा नहीं है। मैक्सिमम जो टीचर्स हैं हमारे कर रहे हैं मिनरल वाटर यूज, या फिर कई बार कईयों को दिक्कत भी हुई है, तो उसके लिए क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है या कुछ एनजीओस हैं जो इसके लिए कुछ वर्क करती हैं या नहीं करती हैं? ठीक है सर, अगर हमारी शिक्षा में बचपन से वैल्यूज ऑफ थॉट सिखाए होते तो शायद ये नौबत ना आती सर, पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। हमारी शिक्षा अर्थ करी है रही है और रहना भी था, उसे रहना भी था, लेकिन अब हम इस पोजीशन में है कि वी शुड नॉट ओनली टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ थिंग्स दैट आप समझ रहे, पोजेशन, मटेरियलिज्म, कार, ये वो, नॉट ओनली दिस, बट इट इज हाई टाइम दैट वी शुड टीच आवर स्टूडेंट्स थॉट्स ऑफ वैल्यूज। और शुरुआत कहाँ से होगी? स्वच्छता से होगी। और जहाँ तक आपने पानी ये वो, हर जगह जब हम देखते हैं तो कहीं बह रहा होता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, छोटी छोटी चीज़ों की और हम ध्यान नहीं देते। लेकिन 15 से 20 वर्षों में जो हमने देखा है, तुलिका मैम साक्षी है, गवाह है, तो हमने ये देखा कि अब मूल्यों के प्रति जागरूकता आ रही है। तो हमें ना तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देना होगा, ब्लेम गेम खेलनी होगी, बल्कि मिलजुल कर अपने सामने सामूहिक लक्ष्य रखना होगा और उसे हासिल करना होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जो हम अपने आप से शुरू करना चाहते हैं कि छोटी छोटी मुहिम होती है, हम उपदेश नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये मैं शायद 10 साल से ज्यादा हो गया होगा कि उससे भी ज्यादा टाइम से मैं ये घर से, अपने घर से कर रही हूँ। हम लोग सभी पैकेट्स लेते हैं, दूध होता है, दही होता है, या प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, जो भी होता है, और हम लोग उसको एक किसी चीज में डालकर उसको थ्रो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो ड्रेनेज होती है, नालियां होती है, वो क्लॉग हो जाती है, बंद हो जाती है, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी खा लेते हैं उसको, है ना, वो हार्मफुल होते हैं। तो ये शायद मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, और जब मैं पहले स्कूल्स में भी थी तो भी मैंने एक काम किया था, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल, हमारे पास तेल की भी होती है, इसमें मेरे सारे रैपर्स होते हैं, किचन में साइड में रखी होती है, इसमें सारे, इसमें दूध है, दही का पैकेट है, नमक का पैकेट है, जो भी प्लास्टिक की चीजें होती हैं, वो एक जगह है, ये ना ये निकल सकती है ना इसको कोई कुछ कर सकते हैं। जब ये मेरी बॉटल पूरी भर जाती है तो मैं इसको सफाई वाले को डिस्पोज ऑफ वहां पर करवा देती हूँ। तो ये छोटा छोटा सा जो मुहिम है जो हम अपने घर से खुद कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में, ये हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं कि आप स्कूल में रहो। यहाँ पर हमने दूसरे स्कूल में भी स्टार्ट करवाया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, तो डेली हम कुछ ना कुछ देते रहेंगे। थैंक यू फॉर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही होगी। तो रेस्पेक्टेड जिला प्रयोजना अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, और जो कि डिप्टी डायरेक्टर का कार्यभार भी देख रहे हैं जिला सोलन का, इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारे साथ है जो आरपी के रूप में रहते हैं, मेरचंद जी, राजेश जी, और सत्यन सर जी जो हमारे साथ हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो स्कूल लेवल पर भी बच्चों को बताएंगे कि प्लास्टिक कैसे डिस्पोज करना है, और भी कई चीजें होंगी जो हम करेंगे। और जैसे मैडम ने प्रैक्टिस किया, ये अपने आप से विचार किया, इस तरह से आप लोग भी वहां पर जाकर जो उस स्कूल की, उस घर की समस्या है, उसको कैसे हम, तो ये तो कंटिन्यूस रिसर्च प्रोसेस होती है कि ऐसे नहीं करना हो, इससे ये नुकसान हो रहा है, तो इस तरह से चलते जाएंगे पॉजिटिव, जैसे आप बोल रहे हैं। जब हम करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तभी आएगा।
सोचने से नहीं आएगा, ज्यादा करने से भी आएगा। तो जब हम करेंगे पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चे नहीं नहीं ऐसे नहीं समझ रहे हैं, ऐसे इस मेथड से समझ रहे हैं, तो वो तब है अगर हम दिल से मुकाम को हासिल करने के लिए अगर हम प्रयास करें। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने कहा भी कि हम ट्रेनिंग का ज्यादा फोकस रखें, बाहर की दिक्कतें तो बहुत हैं, होते भी रहेगी, क्योंकि समस्याएं तो जीवन का अंग है, इसके बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। मेन फोकस इज ऑन द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर फोकस है हमारा। कि सबसे जरूरी ये है कि आप यू आर न्यूली इंडक्टेड टीचर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यू हैव टू हैंडल द क्लास, कक्षा कक्ष की क्या समस्या है, उसका निदान कैसे देना है। दिस इज द मेन मोटो, हमारा ये मेन मोटो है कि कक्षा कक्ष में हमने किस तरह से डिलीवरी कंटेंट को डिलीवर करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज कैसा होना चाहिए हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू कैन डिलीवर योर कंटेंट इन प्रॉपर वे, जो कि बच्चों को फायदेमंद होगा। मेन मोटिव हमारा ये है कि बच्चों तक हम कैसे पहुंचते हैं, किस तरह से पहुंचा जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमने कमीशन नहीं दिया है, तो ये पॉजिटिव है कि गॉड ने हमारी झोली में कुछ डाल दिया है। और सबसे एक चीज मैं बिलीव करती हूँ, जो भी आपकी लाइफ में आए, जस्ट टेक द पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ इट। हम यहाँ आए हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि हम यहाँ सीख रहे हैं। हम सब कंटेंट नॉलेज हम सबको है, हाउ टू डिलीवर दैट कंटेंट टू बिकम अ परफेक्ट टीचर। ऑल वी आर एजुकेटेड, कंसेप्ट नॉलेज सबको है, लेकिन हाउ टू डिलीवर दिस टू यंग किड्स, वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। बट कमी ये है कि पर्सनल जो हमें यहाँ पर डिफिकल्टीज आई है, क्योंकि एज अ फैमिली, जैसे मैं अपना स्पेशल बोलूँ, हम अपने फैमिली के साथ मूव करते हैं, एक न्यू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम कांदा डिस्ट्रिक्ट, मैं कभी लाइफ में कभी अकेली नहीं गई हूँ। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ आकर हमें ऐसा लगा कि हमें खुद अरेंज करना है। नो डाउट तुलिका मैम हैज कोऑर्डिनेटेड एवरीथिंग, शी इज अ वेरी जेनरस लेडी, उन्होंने बहुत हेल्प किया। अगर वैसा कोई ना होता सर, तो अकोमोडेशन इश्यूज, क्योंकि आपने तो डिलीवर कर दिया है, अब आप वहाँ जाके नहीं देख रहे हैं होटल्स में कि कैसे लोग आ रहे हैं, हम लोग वो चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि बाकी रूम्स हैं कैसे आ रहे हैं, हमने थोड़ा सफ़र किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी, तो हमें डर लगता है। ऊपर से यहाँ अगर आए हैं तो थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो हम यहाँ पर इश्यूज हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं। ये हमारा पर्सनल इश्यूज है, बट ऑफिशियली और जो हम एकेडमिकली सीख रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग, आई जस्ट वांट टू से दिस ट्रेनिंग इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, वेदर वी वर वर्किंग और नॉट वर्किंग प्रीवियसली, बिकॉज ऑल द कंटेंट दैट वी हैव इन आवर सब्जेक्ट मैटर that is revived here, all conceptual knowledge is going, question answers that can be done, but the concept and methodology that we are discussing here, that definitely will give the benefit to the students. And of course hamara jo exchange of ideas ho raha hai wo bahut acha hai hamare liye, and secondly jo generic issues chal rahe hain, bahut sari cheeze hain, rules and regulations hain, bahut sare do's and don'ts hain for the teachers, फॉर द स्टूडेंट्स, उनके बीच में हमें कैसे एक बॉन्ड बनाना है, किस तरह से डील करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे टीच करना है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह के हमारे पास जो अभी ये रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैसे है, और हमारा जो वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर हमने कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड डेफिनेटली वो हमें एक प्लेटफॉर्म है टू मूव द फर्स्ट स्टेप ऑफ आर वर्किंग प्लेस। सो दिस इज वेरी गुड सर, और बाकी जो भी हमारा यहाँ पे चीज़ें डिलीवर हो रही हैं वेरी नाइसली विद वेरी फ्रेंडली बॉन्ड, और एक ऐसा नहीं लग रहा हमें कि कोई चीज़ हम पे इम्पोज हो रही है, बहुत अच्छे से नाइसली वो हमें कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। सो थैंक यू विद दीज वर्ड्स, एंड आई होप कि आगे भी ऐसे कंटिन्यू होगा और थोड़ा सा और ऐड होगा इसमें। तो थिंक विच आर ग्रुप मेडिकल ग्रुप लाइक्ड अबाउट इट, एंड इट मे बी डिफरेंट फॉर नॉन मेडिकल, but here the key resource persons or mentors, they were not teaching us what to teach. Their main emphasis was how they were teaching, they were sharing their experiences and how they can make that teaching learning this program more effective for our students, whether as well as for us also, because at the end of the day I as a teacher should be satisfied
that yes, I have delivered the content in a way that majority of my students have understood it. So that was the motto behind these first three those subject-based sessions, first, second and third. First session was a generic session, and after attending these generic sessions for first, second, third, fourth day, many of us were literally lost. Lost in the sense, what is this UDIS? What is this Nipun Bharat? What is Sambhav Siksha Abhiyan and all? Because Bharat Sarkar ki jo Siksha ki neetiyan hai, ya jo Himachal Sarkar unko kaise implement kar rahi hai, how they are utilizing it, and how our children at the village level or school level, they are getting benefit of this. Honestly speaking, many of us were not aware of that. So this generic session, every day it's on some different topic based on related to educational education, and it is enriching us in many ways. So that's it, sir. Tell you, ma'am, like jo solid, liquid or gases ka jo concept bataya na, wo bahut acha tha. मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, पर मैं फिर बोर्ड पे पढ़ाती हूँ कि देखो बेटा ये एटम्स हैं, इनके बीच में बड़ा नज़दीक नज़दीक डिस्टेंस. उन्होंने मुझे क्या बताया, एक गिलास लिया, तीन गिलास लिए और एक में वो सॉल्ट डाल दिए, तो वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट थे. दूसरे में उन्होंने दूर दूर चिपका दिए, थोड़े डिस्टेंस कम था, और तीसरे में उन्होंने बहुत दूर दूर चिपकाए, तो वो जो था ना विजुअल इम्पैक्ट, मेरे लिए वो मार्वलस था. एक छोटे बच्चे को ना अपनी लाइफ में वो कंसेप्ट नहीं भूलेगा, वो जो मैंने लर्निंग की ना मैम से, वो मैं भी नहीं भूलूंगी. और सबसे बड़ी बात ये जो ट्रेनिंग है ना सर, मैंने पहले जब ज्वाइन किया ना, तो मुझे लग रहा था या तो मैं स्कूल छोड़ के भाग जाऊंगी या ये मुझे निकाल देंगे, क्योंकि सर मुझे कोई काम ना है. फिर यहाँ पे आके, मतलब जब बच्चे को हम छोड़ देते हैं ना पानी में, खुद हाथ पैर मार के वो सीखता है ना, तो उसकी ट्रेनिंग पक्की नहीं होती, वो बच्चा कच्चा होता है, वो कभी भी टूट सकता है. लेकिन हमें यहाँ पता क्या मिला, ट्रेनिंग, यूटाइज क्या होता है, MDM क्या होता है, इको क्लब क्या होता है, पॉक्सो क्या होता है, SMC क्या होता है. ये जो हमें प्लेटफॉर्म मिला और ये जो नॉलेज मिली, अब हमें कोई गलत गाइड नहीं कर सकता, मैडम ये चार्ज आपका है, मेरे को मेरे राइट्स पता है, मैं प्यार से कहूँगी नहीं मैम ये चार्ज तो मेरे अंदर आता नहीं, फिर भी आप कहोगे तो आई विल हेल्प माई सुपीरियर्स. नमस्कार, मेरा नाम रोहित चौहान है, मैं DL.ED फर्स्ट ईयर का छात्र हूं, और हम सभी जो बच्चे हैं कोऑर्डिनेटर मैम मिस तुलिका मैम के साथ यहां पर इंडक्शन ट्रेनिंग उनकी हेल्प कर रहे हैं. और जिस प्रकार से ट्रेनिंग चल रही है, इसमें सभी को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपने, मतलब एज ए टीचर क्या आपने करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर टीचर्स को सिखाई जा रही है. और वो सारी चीज़ें, मतलब क्वालिटी एजुकेशन किस तरह बच्चों को एक्टिविटी के साथ सिखाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है. और ये सारी चीज़ें हमारे काम की भी है, क्योंकि हम सब भी आने वाले शिक्षक ही है, क्योंकि हम JBT के ट्रेनीज हैं, तो ये सब हमारे काम का भी है. शिक्षा क्रांति का जो ये कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया था, हमें बहुत अच्छा लगा. इसमें आपने जो भी बताया कि हम क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, स्वच्छता के बारे में आपने बताया कि हमें स्वच्छता को अपना परम धर्म मानना चाहिए, और दूसरों से पहले हमें अपने खुद के घर से सफाई और स्वच्छता शुरू करनी चाहिए. मेरा नाम गोविंद है और मैं DL.ED फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, जो कि यहाँ 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग हो रही है. मिस तुलिका मैम के साथ हम मैम की हेल्प करा रहे हैं, जो कि आज का सुबह का लेक्चर था, NGO की तरफ से आए, हमारे स्वच्छता के बारे में बताया कि हम किस तरह अपने देश को स्वच्छ रखना है, पहले अपने घर से शुरू करनी चाहिए और फिर अपने सोसाइटी के अंदर स्वच्छता लानी चाहिए, तब जाके हमारे देश में बदलाव आएगा, तभी हमारा देश स्वच्छ रहेगा. नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज चौहान है, मैं DL.ED फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ. हम लोगों को खुद लगना चाहिए सर कि हमें साफ़ सफाई रखना, गंदा तो किसी को पसंद नहीं है सर, गंदे जो सर जानवर होते हैं वो भी थोड़ा सर अपने साफ करते हैं सर, हम तो फिर भी इंसान है सर, हमारे को हर जगह सफाई रखनी चाहिए सर, इतना बढ़िया प्रकृति का सर हमारा माहौल है सर, कचरा नहीं फैलना सर, देखते हैं सर हर जगह हर कचरा फैला हुआ सर. हम आपने जैसा कहा भी सर 2047 तक हम देश को स्वच्छ भारत ये बनाएंगे सर, सहयोग है सर हमारा भी आप साथ सर, हम भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे सर, जब भी आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े सर आप बेझिझक हमें कभी याद करिए सर, हम
आपके साथ जरूर जुड़ेंगे सर, धन्यवाद। मेरा नाम अभय है और मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग में आज हमारा 10वां दिन है। तो हमारे बीच शिक्षा क्रांति एनजीओ से सत्यम सर आए हैं। इनका मेन मोटिव है स्वच्छता ग्रह है, जिसके तहत सफाई किस तरह रखी जाती है, किस तरह की जाती है, वो हमें नई नई टेक्निक्स के द्वारा सिखाई जाती है। तथा नए नए तरीके, जैसे स्कूलों में बच्चों को बोतल में वेस्ट मटेरियल भर के तैयार किया जाता है, वो मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, उससे बच्चों में क्रिएटिविटी आती है और जागरूकता फैलती है कि जो कूड़ा करकट वो बोतल में भर के नए मॉडल तैयार करते हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। मेरा नाम तपेश कपूर है, मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। हम मिस तुलिका मैम के साथ यहाँ पे जो 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है उसका हम भी हिस्सा है और हम भी इनसे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे टीचरों को सिखाया जाता है, कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है। और आज जैसे हमारे पास नए आरपी आए थे, उन्होंने हमें स्वच्छता के बारे में समझाया कि हमें पहले बाहर ना देखकर अपने परिवार में देखना चाहिए कि स्वच्छता का कितना महत्व है और हमें साफ स्वच्छ रहना चाहिए, तभी हम पर्यावरण को साफ स्वच्छ रख पाएंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि 15 दिन की ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद सर।